हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता वर्मा। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ बना रही हूँ बर्गर, जिसके लिए मैंने यहाँ बॉयल आलू को मैश कर रही हूँ और मैंने इसमें कुछ मसाले डाले हैं। साथ ही साथ मैंने इसकी टिक्की बनाऊंगी पहले, तो मैंने इसमें स्वीट कॉर्न डाला है और मैं इसे थोड़े थोड़े तेल में डाल करके टिक्की को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मैं टिक्की यहाँ पे सरसों के तेल से फ्राई कर रही हूँ और सिर्फ तीन टिक्की कर रही हूँ, एक मेरी, एक मेरे हस्बैंड की और एक मेरी पीहू की, क्योंकि मैं यहाँ पे तीन बर्गर बनाऊँगी। बर्गर दो ही बनाऊँगी और एक टिक्की पीहू के लिए है। तो बस मैंने यहाँ पे टिक्की फ्राई कर लिया है। टिक्की जितनी अच्छी क्रिस्पी करनी है आपको, उसमें तवे में पड़ी रहने दीजिए, वो धीरे धीरे आँच में रोस्ट होती रहेगी। और मैंने यहाँ कुछ वेजिटेबल्स काट ली हैं, जिसमें अनियन, टमाटो और खीरा है, पनीर है, तो मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है। तो ये है पाव बन, जो कि बर्गर के लिए है। मैं डी मार्ट से इसको लेकर के आई थी। अब मैं इसको 20 से कट कर दूंगी और एक साइड पे मैं लगाऊंगी टमाटो सॉस और दूसरे साइड पे मैं लगाऊंगी घर की बनी हुई चिली सॉस, मतलब कि जो मेरी चटनी होती है वही मैं यूज़ करूंगी, क्योंकि मैं बाहर का चिली सॉस यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये लगा लिया है और बीच में अब मैं यहाँ पर टिक्की रखूँगी और फिर इसमें जितनी सब्जियाँ हैं वो मैं यहाँ पर फिल कर दूंगी दोनों पाव को बंद करके देसी घी में। धीमी धीमी आंच में इसको सेकूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैं यहाँ पे सब्जियाँ फिल कर रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, हेल्दी भी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान करेंगी। तो आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा बर्गर और फिर मेरे को बताइएगा कि आपको कैसे लगा और क्या क्या कैसे बनाया आपने। तो देखिए फिर आगे। गाइज़, वेलकम टू माई चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता वर्मा। और आज फिर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, 12 बज रहा है। और जैसा कि आपने मॉर्निंग में देखा था कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में आज बर्गर बनाया था, तो आज सब हम सब ने बर्गर ही खाया है। और एक वीडियो शूट किया है, उसके लिए मैं रेडी हुई थी, तो बस ये थोड़ा सा मेकअप है उसी के लिए ही है। और आप बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और बस, तो फिर अभी मैं बैठी थी तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट का मैंने रिकॉर्ड करके शूट करके फिर रख दिया था। तो बस फिर चलिए, फिर मैं अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 2 और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, तो बस मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ बाहर का व्यू, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और हवा तो बहुत ही अच्छी चल रही है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, लीजिए बारिश भी आ गई और बहुत ही ठंडा इस समय मौसम हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोगों के यहाँ बारिश आई या नहीं आई मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे तो इस समय बहुत अच्छा मौसम है, देखिए सामने हमारे घर के पहाड़ भी है, तो देख सकते हैं आप पहाड़ में बारिश, वहाँ पे ऊपर कितना तेज़ बादल है और हवा देखिए कितनी तेज़ यहाँ चल रही है, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। और बारिश के बाद ग्रीनरी देखने का तो मज़ा ही अलग है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ मौसम लग रहा है, पेड़ के बीच में बारिश और बारिश के बीच में पेड़, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए आप भी अपने घर के पास में पेड़ लगाएं और ग्रीनरी का मज़ा लें।
जैसा कि आपने देखा कि बारिश स्टार्ट हो रही थी, हो सकता है मेरी आवाज़ आप तक थोड़ी धीमी आ रही हो क्योंकि यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। तो मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और मैं आपको यहाँ का अभी नीचे का व्यू दिखाती हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, एकदम ठंडा ठंडा सा हो रहा है। तो अभी मैं आपको नीचे दिखाती हूँ कि यहाँ पर कैसा हो रहा है वेदर। तो मैं यहाँ की विंडो ओपन कर रही हूँ, रुको। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितनी तेज बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलिए फिर सोचते हैं कि किचन में कुछ बनाया जाए, बारिश के टाइम कुछ अच्छा खाया जाए। तो चलिए फिर देखते हैं कि मैं किचन में क्या बना रही हूँ। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर के बटन को प्रेस करके। तो चलिए फिर देखते हैं कि मैं किचन में क्या बना रही हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ और किचन की विंडो से मेरा कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। तो मैंने सोचा फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैं बार बार आपको इसलिए बाहर का वेदर दिखा रही हूँ जिससे आप भी खुश हो जाएं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी बनाऊंगी मैगी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी डाला है और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी। अब मैं यहाँ पे एक गिलास पानी डाल दूंगी क्योंकि मैं आज बना रही हूँ सिर्फ सूपी मैगी, मतलब कि इसमें टमाटर प्याज नहीं डालूंगी और सिर्फ पानी वाले नूडल्स जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसमें ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैंने इसमें मसाला डाल दिया है और मसाला डालने के बाद मैं इसमें मैगी डाल दूंगी और उसको थोड़ी सी देर पका लूंगी। और जो इसका सूपी मतलब जो सूप है, जो इसका पानी है, वो थोड़ा सा गाढ़ा जब हो जाएगा तब हम इसे खाएंगे। तो अभी मैंने इसमें मैगी डाल दी है, अब मैं इसको ढक करके रख दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए और गैस को मैं ऑफ कर दूंगी और फिर मैं मैगी खा के आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है शाम का 6 o'clock और अभी मैं पीहू को लेकर के अपने घर के पास मेरे पार्क है वहाँ लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पीहू अपने फ्रेंड के साथ झूला झूल रही है और इस समय मौसम बहुत अच्छा है, बारिश रुक गई थी तो हम लोग सोचे चलो अब थोड़ा नीचे वॉक पे आते हैं। तो बस मैं यहाँ पे पीहू को घुमा रही हूँ और मैं और मेरी फ्रेंड भी हैं यहाँ पे, तो हम लोग बातें कर रहे हैं और पीहू का मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ पार्क का। तो देखिए फिर आगे कि पीहू क्या क्या करती है। तो बहुत ज़रूरी है शाम को अपने घर से निकलना, बच्चों को घुमाना। तो बस आप लोग भी अपने घर से, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो बाहर आकर के बच्चों को घुमाया करिए, थोड़ी देर पार्क में घुमाइए, झूले झुलाइए, उनके साथ खेलिए, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और तो देखिए फिर और आगे मैं क्या क्या करती हूँ। तो बस फ्रेंड्स फिर पार्क से आने के बाद मैंने जल्दी से अपना डिनर प्रिपेयर किया जिसमें मैंने सिर्फ आज सब्जी और रोटी ही बनाया था, इसलिए मैंने उसको शूट नहीं किया है। और फिर बस हम लोगों ने जल्दी से डिनर करने के बाद पीहू को डिनर कराया, फिर हम सब ने डिनर करने के बाद हम बाहर निकल गए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस समय मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी बहुत अच्छी है, एकदम रोमांटिक रोमांटिक मौसम है। तो अभी मेरे हस्बैंड मेरे को लेके निकले हैं बाइक राइड पर, तो देखिए फिर आगे हम लोग क्या क्या करते हैं। तो आज हम निकले हैं रोमांटिक बाइक राइड पे कॉफी टाइम के बाद। तो तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अब ये व्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।